करने हैं। हाँ, महाराज धन्य हो गया, आप दर्शन कर गए। मेरी बहुत ही अंदर से तमन्ना थी जी महाराज जी के दर्शन करो। हाय, प्रभु की कृपा से ही मिलन होता है, असीम कृपा। हाँ, बिनु हरि कृपा मिले ने संता, तो जो हरि कृपा करते थे एक दूसरे से मिलन होता है। हाँ, भगवान कृपाल, और नाम जप कीजिएगा। देखो, जीवन की सार्थकता भगवान की प्राप्ति है, आप सच्ची बात समझ लो। यहाँ की जितनी उन्नति है, यदि वो भगवान से बिलग है तो उसकी सीमा है। शरीर छूटने के बाद ना हमारे पास वो बौद्धिक स्तर रहता है, ना हमारी पढ़ाई रहती है, ना हमारा पद रहता है। जैसे यहाँ से हम डिग्रियां पीएचडी के सब, और जब हमारा शरीर छूटा अगला जन्म हुआ तो ककारा पित शुरू होगा, ये पीएचडी नहीं रहेगी। लेकिन 100 बार नाम जप कर लिया है तो अगला जन्म अगर हुआ तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। तो अविनाशी भजन अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कृपा से लौकिक सुख तो सब है ही आपके पास, एक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए नाम जप कर लीजिए। जितना जीवन बचा है वो प्रभु में अर्पित हो जाए, प्रभु के सुमिरन में व्यतीत हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। निहाल हो जाओगे बस नाम जप कर। नाम में कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, कोई पवित्रता पवित्रता का भेद नहीं। आराम से बैठे जहां भी बैठे, अब जो नाम प्रिय, हम तो जैसे वृंदावन वासी राधा उपासी, हम तो राधा 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 राधा, आपको जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, वो नाम जप करते रहो, उसी से मिल जाते। आलस्य पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। जब हमारे अंदर प्रियता बढ़ जाएगी नाम की तो आलस्य नष्ट हो जाएगा। जैसे आपके मन पसंद फिल्म लगी हो फिर आप सो जाओ तो हमें बताओ, नहीं सो पाओगे ना, क्योंकि प्रियता। अगर नींद से विजय पाली तो टहल करके नाम जपना शुरू करो तो टहलते टहलते सो जाओगे।